हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों, जिसमें हमको बताने वाले हैं कि जो 2020 का एग्ज़ाम है बॉटनी का, बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का पेपर है, थर्ड पेपर, ठीक है। तो बॉटनी का थर्ड पेपर जैसे हम थंबनेल में देखिए, जो कि होंगे 2020 में आने वाले क्वेश्चन है। यदि आपको टॉपर बनना है, बीएससी में टॉपर करना है, टॉप करना है, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आज आपको केवल 21 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और 21 क्वेश्चन में से कमी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इस पर क्वेश्चन हटाने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा कि मैं देखा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और देखिए, ये बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी का थर्ड पेपर के बारे में, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि आप देखिए 2019 का जो हमने इम्प्रूवमेंट डाले थे, इम्प्रूवमेंट के लिए जो जो बताए थे, एक एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है, 2019 में जो हमने बताए थे इम्पोर्टेंट, तो याद रखना 2020 के लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं 2020 के लिए, और 2020 के मेन एग्जाम जो मार्च में होंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये याद करना है, बाकी सब चीज़ छोड़ देना है। यदि आपके पास नोट्स है तो नोट्स पे टिक लगा लो, यदि आपके पास बुक है तो बुक पे टिक लगा लो, यदि आप गैस पेपर से याद करते हैं तो गैस पेपर से याद करो। और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा कि गैस पेपर से कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो गैस पेपर से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बात कराऊंगा, गैस पेपर की एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गैस पेपर है उस पर हम टिक लगा के दिखाएंगे और नीचे अंडरलाइन आपको करते रहना है, उस इसको याद करना है, और जो हम छोड़ दें, यहाँ हमने ये छोड़ दिया तो इसे याद नहीं करना, याद रखना, तो अंडरलाइन करें उसको ही याद करना, इस प्रकार से याद करोगे तभी याद होगा, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, तो देखते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है खनिज संसाधन बस संरक्षण। देखिए खनिज संसाधन होते हैं, उनका संरक्षण कैसे करेंगे, इसका हम देखिए यहाँ हमने कोई नोट्स नहीं बनाया है, लेकिन नोट्स नहीं, इसे हम गैस पेपर से याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गैस पेपर से हम आपको इसके वीडियो बना देंगे गैस पेपर से, और अंडरलाइन करके याद करना, याद रखना हमेशा जो भी क्वेश्चन याद करें वो अंडरलाइन करके याद करना, तभी आपका उसका क्लियर आंसर आ पाएगा, ठीक है, तभी याद कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। मैं उससे बता दूंगा कैसे याद करते हैं ट्रिक को, ठीक है। तो अच्छे नंबर 90% लाने के लिए जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करते रहिए, 90% प्लस जाएगी, ठीक है। तो 90% प्लस आने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एक से दो दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा, जो आपको 75% एग्जाम में आ जाएगा, 75% एग्जाम में वहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। तो यार हमारे चैनल को पेपर हैकर को मतलब कि एक्चुअली सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो मृदा के प्रकार, मतलब जैसे सॉइल कहते हैं, सॉइल ऑफ मतलब कि टाइप, सॉइल ऑफ टाइप या टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके बाद में निर्माण कैसे होता है और अपरदन क्या होता है, ठीक है, इरोसिस रोशन क्या होता है। देखिए अपरदन बहुत ज़्यादा आता है, मृदा का अपरदन कैसे करेंगे, ठीक है, और कितने प्रकार की होती है, ये मृदा के बारे में तो देख लेना, ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बीएससी थर्ड ईयर वालों 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, ये देखिए, और इसका कारण और उपयोग जरूर बताना कि इसका कारण क्या है, अपरदन का कारण क्या है और उपयोग किस प्रकार से करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देख के आए, जल संसाधन क्या होता है, क्या होता है जल संसाधन, क्या होता है जल संसाधन, भले ही मत पकड़ो याद, जल संसाधन नहीं आता, लेकिन वन संसाधन बहुत आता है, वन संसाधन और संसाधन के महत्व संरक्षण, ठीक है, इसे हटा दो, इस वाले क्वेश्चन को हटा दो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हटा दो, तीसरे वाले को पहला दूसरा चौथा याद करना है। उसके बाद में टिक लगा लो, अपने पास नोट्स है तो नोट्स पे, गैस पेपर है तो गैस पेपर पे, ठीक है, और बुक है तो बुक पे। तो देखिए बात करते हैं प्रदूषण, प्रदूषण वायु प्रदूषण जल प्रदूषण नियंत्रण, मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रण, देखिए प्रदूषण जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, तो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है, रोकथाम कैसे करेंगे प्रदूषण की, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो वायु प्रदूषण पूछा जाता है, ठीक है। और लेकिन कभी देखिए इन दो प्रदूषण में से तीसरा प्रदूषण नहीं आएगा, याद रखना, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, इन दोनों को देख लेना और आप सिंपली एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मैं इसे आपको याद करा दूंगा, एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, वो याद कर लेना और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही बार वीडियो देखोगे ना तभी आपको याद हो जाएगा, दोबारा उस वीडियो को अभी देखोगे भी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जैव विविधता क्या होती है, कौन सी जैव विविधता, ये तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में मिलेगा देखने के, ये आपका 10 नंबर का मिलेगा देखने, प्रदूषण के वाले पॉल्यूशन 10 नंबर का मिलेगा देखने के, ठीक है। जैव विविधता होती है और जीवों के बीच बनने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी कहते हैं, और इसका संरक्षण कैसे करते हैं याद कर लेना। जीव संख्या भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, मतलब कि शॉर्ट आंसर में पूछी जाती है, जीव संख्या क्या होती है लक्षणों गति की, ठीक है। समुदाय भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समुदाय, ठीक है, जैविक समुदाय किसे कहते हैं ये देख लेना, समुदाय और जैविक समुदाय, ठीक है, पॉलिटिक कम्युनिटी और एक कम्युनिटी, ठीक है, याद रखना समुदाय, ये तो आपको तीन यहाँ देखिए, और ये आपको तीसरा तो आपको याद ही नहीं करना है, ठीक है, तीसरा तो आपको याद ही नहीं करना है, पादप समुदाय ये याद कर लेना, समुदाय पादप समुदाय, ये समुदाय के अंतर्गत ही याद आते हैं सारी क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद में 9वां क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 10वें और 11वें क्वेश्चन की। तो 10वां है एंटियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, विषाणु कवक बीमारी। देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है, एंटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंटियोलॉजी क्या होता है, इसके विषाणु और जीवाणु कवक और बीमारियों का जो स्पर्म है वो क्या है वो देखना है आपको, देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तंबाकू के मोजक रोग लक्षण और नियंत्रण, तंबाकू का मोजक रोग क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। तंबाकू का जो मोजक रोग होता है उसका जो संक्रमण क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, इसे कैसे नियंत्रण करेंगे, ठीक है याद कर लेना। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, तो देख लीजिए 12वें क्वेश्चन को बात करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का थर्ड पेपर है, ठीक है। अब देखिए आलू, आलू की जो बीमारी होती है ना, आलू की बीमारी, देखिए आलू की बीमारी तो ज़्यादा नहीं आता, आलू की बीमारी भी नहीं आता और गन्ने की बीमारी भी नहीं आता, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार इसे पढ़ लेना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा वो देख लेना, ठीक है। और ज़्यादा जरूरत तो नहीं है इसे ज़्यादा बहुत रिपीट करने की, मैं इसको वीडियो बना दूंगा आपको वो याद कर लेना, लेकिन इन दोनों में से एक आ सकता है, क्योंकि आलू और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है ये कहते हैं नींबू, नींबू का कैंसर रोग, ठीक है वो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये आलू फालू का इतना नहीं पूछा जाता। और ये गन्ने का याद कर लेना, छोड़ो आलू का छोड़ देना, ठीक है आलू का छोड़ देना और गन्ने वाला याद कर लेना, गन्ने का लाल सुड़क रोग, कबक के नाम और रोग, ठीक है, और लक्षण उपचार कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 14वां क्वेश्चन, वो होता है मृदा प्रक्षेपण क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना है, ठीक है। और उर्वरकता कैसी होगी, मृदा की उर्वरकता कैसे बढ़ाएंगे वो देख लेना, ठीक है। और स्थानांतरित मृदा क्या होती है, जो स्थानांतरित मृदा और आंदोलन क्या होता है, ठीक है आंदोलन, ठीक है। एंड जो चिपको आंदोलन होता है, चिपका आंदोलन बहुत ज़्यादा आता है, चिपको आंदोलन याद रखना, चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन में, ये देख लेना। उसके बारे में हरित गृह प्रभाव देख लेना, ठीक है हरित गृह प्रभाव, देखिए उर्वरकता देख लेना, ठीक है ये भी देख लेना है, ये चाह ये मत देखना, ठीक है ये वाला क्वेश्चन मत देखना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन चिपको आंदोलन देख लेना, ठीक है चिपको आंदोलन देख लेना, और हरित गृह प्रभाव क्या होता है ये देख लेना, ओजोन हाउस देख लेना, ओजोन हाउस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सब शॉर्ट में है, ठीक है मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद में अम्ल वर्षा क्या होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल, ठीक है। पादप सूचक क्या होता है ये भी देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में, ठीक है तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। इकोटॉप्स क्या होते हैं, देखिए इकोटॉप्स और की स्ट्रिंग जाती है, हटाओ ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये छोड़ दो, मतलब तीन मैंने क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया, 3 क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, 21 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन छुड़वा दिए, मतलब कि आपके 18 क्वेश्चन रह गए, ठीक है 18 क्वेश्चन रह गए। तो देख खीरा, खीरा का मोजिक रोग आप आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खीरा का मोजिक रोग, ठीक है। उसके बाद में नींबू का सरकरा रोग जिसे कैंसर ठीक है ये कहते हैं, ठीक है ये भी आपको देख के जाना है, ओके। उसके बाद में होता है कृषि सूचक क्या होते हैं, कृषि सूचक बस इतना याद कर लेना, मतलब कि आपको केवल 18 क्वेश्चन इस वीडियो में दिए हैं मैंने, आप केवल 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन आप याद करके जाते हैं तो आपका 90% प्लस जाता है, कितना 90% प्लस जाता है। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। तो जो जो मैंने क्वेश्चन बताए वो ही याद करके जाइए, बाकी सब छोड़ दो, ओके। तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, थैंक यू।